रायसेन में शनिवार को गल्ला मंडी के पीछे स्थित शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में पटवारी परीक्षा 2022 में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की गई है। इस दौरान कलेक्टर ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की थी। जिले में चयनित सभी 124 अभ्यर्थियों को उनके दिए गए पते पर पहले ही सूचना पत्र जारी कर सूचित कराया था। इसके साथ ही कलेक्टर ने सत्यापन और दस्तावेज परीक्षण को लेकर अपर कलेक्टर अभिषेक दुबे और एसडीएम मुकेश सिंह को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दरअसल आयुक्त भू अभिलेख ग्वालियर द्वारा पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के संबंध में दिए गए दिशा निर्देश अनुसार ही सभी अभ्यर्थियों का सत्यापन और दस्तावेज परीक्षण किया है। पूरे प्रदेश में जो पटवारी पद के लिए भर्ती हुई थी, आज सभी जिलों में उसकी जो काउंसलिंग हो रही है उसमें उनके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में रायसेन जिले में यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज में काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है और 124 जो रिक्तियाँ हैं उनको भरे जाने के लिए 124 कैंडिडेट यहाँ आज बुलाए गए हैं और सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे कि राजस्व विभाग के निर्देश हैं। नोडल अधिकारी एडीएम हमारे अभिषेक दुबे जी हैं और उनकी पूरी टीम यहाँ लगी हुई है, तो निर्बाध रूप से काउंसलिंग चल रही है और काफ़ी बड़ी संख्या में कैंडिडेट आ चुके हैं। लगभग 90% कैंडिडेट अभी आ चुके हैं और उनके डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की कार्रवाई चल रही है। रायसेन से उबेस खान की रिपोर्ट।